दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रिक गीजर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, इलेक्ट्रिक गीजर में हीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, थर्मोस्टेट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, थर्मोस्टेट वर्किंग किस तरह करता है, ऑन इंडिकेटर एंड ऑफ इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले है। देखिए गीजर में ऑफ इंडिकेटर कनेक्शन दो तरह से किया जाता है, तो दोनों तरह के कनेक्शन को आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो पावर सप्लाई केबल होती है उसमें हमारे पास एक फेस वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर होता है। तो सबसे पहले देखिए जो अर्थ वायर होता है उसे हमें गीजर की बॉडी पर अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए अर्थ वायर हमारा यहाँ पर टाइट हो चुका है। अब हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट कनेक्शन और एक आउटपुट कनेक्शन। तो किस तरह से थर्मोस्टेट कनेक्शन किया जाएगा यह भी हम समझने वाले हैं। देखिए एक जो मैनुअल थर्मोस्टेट होता है जिसमें आप रिसेट कर सकते हैं, वो थर्मोस्टेट भी कई गीजर में दिया जाता है, बट हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वायर में स्लीव लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गीजर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए न्यूट्रल वायर में हमने स्लीव लगाया, इसे आपको हीटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए हीटर में आपको फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो हीटर में देखिए न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, जो फेज वायर है इस फेज वायर को हमें थर्मोस्टेट के इनपुट सिरे पर कनेक्ट कर देना है। एक बार फिर से देखिए जो फेज वायर है उसमें हमने सबसे पहले स्लीव लगाया और से थर्मोस्टेट के इनपुट सिरे पर कनेक्ट कर दिया है और कनेक्शन आप फुल टाइट कीजिए। देखिए थर्मोस्टेट का जो आउटपुट सिरा है वहां पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और यहाँ से हमें इसे हीटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए थर्मोस्टेट में जो भी टेम्परेचर सेट है, यदि टेम्परेचर उस रेंज में होता है तो थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई पास होगी और हीटर को ऑन करेगी। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को कट कर देता है। देखिए थर्मोस्टेट से सबसे पहले हमने हीटर को ऑपरेट कर दिया और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब हम इंडिकेटर कनेक्शन समझ लेते हैं। इंडिकेटर में हमारे पास ये एक ऑन इंडिकेटर है। जब हमारा हीटर ऑन रहेगा इस कंडीशन में इस ऑन इंडिकेटर ने ग्लो करना चाहिए। देखिए जब हीटर ऑन रहेगा तभी इसने ग्लो करना चाहिए। तो हीटर के जो दो हमारे पास सिरे हैं, सबसे पहले देखिए जहां पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, न्यूट्रल सिरे पर हमने देखिए इंडिकेटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया है। देखिए इंडिकेटर में न्यूट्रल यहाँ से आ चुका है और जो फेज वायर है उस फेज वायर के साथ हमें इंडिकेटर का दूसरा सिरा कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारा ग्रीन इंडिकेटर तभी ग्लो होगा जब हमारा हीटर ऑन रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा हमारा गीजर में हीटर अभी ऑन हो चुका है। देखिए ऑन इंडिकेटर कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, हमें हीटर के साथ इसे ऑपरेट कर देना है। अब जो ऑफ इंडिकेटर होता है उसका कनेक्शन दो तरह से किया जाता है, हम दोनों ही तरह को समझ लेते हैं। देखिए जो ऑफ इंडिकेटर है इसे आप थर्मोस्टेट के दोनों सिरे पर कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो जब आपका हीटर ऑफ रहेगा उस कंडीशन में आपका ऑफ इंडिकेटर ग्लो होगा। एक बार फिर से देखिए फेज वायर इसे डायरेक्ट यहां से मिलेगा और जब हीटर ऑफ कंडीशन में रहेगा, देखिए हीटर ऑफ रहेगा तो हीटर में कॉइल रहती है, तो यहां से न्यूट्रल उसे रिवर्स होकर, देखिए यहां से रिवर्स होकर न्यूट्रल यहां से मिल जाएगा। दैट मीन्स जब हमारा हीटर ऑफ रहेगा उस कंडीशन में यह वर्क करेगा, बट आपको इस तरह से कनेक्शन नहीं करना है। जो हमारे पास मेन कंपनी से जो कनेक्शन होकर आता है उस तरह से कनेक्शन हमें करना है। दैट मीन्स एक पावर का इंडिकेटर हमें रखना है। जब भी गीजर की पावर को ऑन किया जाएगा उस कंडीशन में इस रेड इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो उस तरह से कनेक्शन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए थर्मोस्टेट के इनपुट सिरे पर आपको ऑफ इंडिकेटर का एक यहां पर देखिए आपको कनेक्ट कर देना है एक सिरा को। देखिए यहां से फेस डायरेक्ट मिल रहा है, देखिए फेस डायरेक्ट आ रहा है और जो न्यूट्रल का सिरा है इसे आपको जो हीटर का
आपका जो न्यूट्रल का सिरा है वहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज उसे थर्मोस्टेट से डायरेक्टली मिल जाएगा और जो न्यूट्रल है उसे हीटर के साथ हमें कनेक्ट कर देना है। इस कंडीशन में होगा क्या, जो आपका रेड इंडिकेटर है वह इंडिकेट करेगा आपके गीजर में पावर आ रही है। देखिए पावर ऑन के लिए हमने यहाँ पर रेड इंडिकेटर को कनेक्ट किया है और हीटर ऑन के लिए हमने ग्रीन इंडिकेटर को कनेक्ट किया है। कंपनी के द्वारा जो वायरिंग की जाती है वह इसी तरह से की जाती है। यदि आप चाहते हैं हीटर ऑफ हो उस कंडीशन में रेड इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए, तो आप थर्मोस्टेट के दोनों सिरे पर कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका गीजर वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अब इसे फिट किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लॉक्स होते हैं, दोनों लॉक में आपको अच्छे से इसे फिट कर देना है। और देखिए यहाँ पर इस इंडिकेटर में भी लॉक होता है। सबसे पहले ऑन इंडिकेटर को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है और ऑफ इंडिकेटर को भी यहाँ पर फिट कर देना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो इलेक्ट्रिक गीजर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, वर्किंग किस तरह होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।